नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 22। हम मौजूद हैं इस समय 22 प्रखंड के मीनापुर पंचायत का डीहा गांव में, जहां पर आपको एक तस्वीर नज़र आ रही होगी। देखिए, एक 2 वर्षीय जो है बच्चा है, उस बच्चे को देखिए, आपको सिर्फ हम लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। ये 2 वर्ष का जो छोटा बच्चा इरफान आलम, जो अल्लाह के कुदरत का क्या करिश्मा है, वो चीज़ हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए इसकी तस्वीर, आप सबसे पहले इनकी तस्वीर को देखिए और तस्वीर से समझिए कि आखिर ये 2 वर्ष का बच्चा आखिर क्या गलती किया होगा, आखिर किस तरह से इनकी गलती हुई होगी जो ऊपर वालों ने इतने मुसीबत में इनको डाल दिया है, और कितनी बड़ी मुसीबत से ये जो 2 वर्ष जो बच्चा इतनी मुसीबत में झेल रहा है, और इतनी मुसीबत को झेलते हुए 2 साल पार किया, आखिर उनको उठने बैठने खाने पीने में कितनी परेशानी होती होगी, आप भली भांति वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं। हम इस तस्वीर को दिखाने के लिए 22 से तकरीबन जो है 15-20 किलोमीटर दूर एक सुदूर देहात आ पहुँचे हैं, और मेरा आने का मेन मकसद था गरीब परिवार से ताल्लुकात रखने वाले इफ्तखार, जो भूमिहीन है, और जो है जहाँ तक सूचना मिली कि ये जो इनका जो आवास है ये भी दूसरे का ज़मीन में बैठा हुआ है, और मेहनत मजदूरी करके इन्होंने अपना पालन पोषण किया और इस बच्चे को एक ज़िंदगी दी। लेकिन देखिए किस तरह से इनकी जीवन कट रही है, वो दिखाने के लिए हम इस गांव में पहुंचे हैं। अब यहां से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या हुआ इस बच्चे के साथ जो ऐसी स्थिति बनी हुई है। लेकिन आपको जानकारी के लिए हम बता दें कि ये जो 2 वर्ष का जो छोटा बच्चा है, इनके सर पे जो है क्या हुआ है, तकरीबन इनका सर जो है अब वज़न के मैक्सिमम जो हमें जहाँ तक लगता है, देखिए आप देख सकते हैं इसका सर जो है, देखिए वज़न के हिसाब से अगर किया जाए तो 5 केजी से कम नहीं होगा। लेकिन इन्होंने डॉक्टर को दिखाने की कोशिश की और डॉक्टर इनको क्या बताया, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल जो है आपको हम ये बात बता दें कि गरीबी से झेल रही ये परिवार न पैसे से किसी तरह का मजबूती है, और जो इसका बाप जो है वो मेहनत मजदूरी करके के लिए पंजाब जाते हैं, कभी लुधियाना जाते हैं, यानी कि वो बाहर से जो भी 2-4 पैसा होता है वो अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। लेकिन इनकी उतनी औकात नहीं है, उतनी शक्ति नहीं है कि इस बच्चे का इलाज कर पाए, और गरीबी से झेल रही है परिवार, कहीं ना कहीं देखा जाए कि इस तरह से जो है पैसे की कमी होने के कारण जो है बच्चे का इलाज नहीं हो पाया है, और ये बच्चा 2 साल से तकरीबन ये झेल रहा है। आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं, हालांकि बच्चा मेरी बातों से जो है वो खुश भी है और हंसते हुए नज़र आ रहा है, लेकिन कितनी परेशानियों का सामना करना है ये बताना मुश्किल है। हम आपको और एक बात जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ आने का मकसद मेरा ये है कि आप लोग अगर इस वीडियो को देखते हैं, जो भी जिसके पास भी जाता होगा, तो हम उनके माध्यम से आप सभी से एक अनुरोध करते हैं कि इस गरीब परिवार का आप ज़्यादा से ज़्यादा ताउन करके आप जो भी आपसे बन पाए, चाहे वो 10-20 जितने भी हो, आप इसको दे करके इनकी मदद करें, ताकि इनकी कहीं अच्छे से हॉस्पिटल में इलाज हो पाए और इस बच्चे की जो है जो परेशानी है वो परेशानी दूर हो पाए, और आपकी एक मदद से किसी की जान जो है वो बच सकती है, और आपकी एक मदद से किसी की जान जो है वो दोबारा लौट सकती है। लेकिन इसके गरीबी की हालत में रहकर और एक मेहनत मजदूरी करने वाले इंसान जो अपना मेहनत मजदूरी करके अपना भरण पोषण करते हैं, कहीं ना कहीं देखा जाए कि पैसे की कमी के वजह से इनकी इलाज नहीं हो पाती है। इन्होंने बताया कि देखिए इसको लेकर के जो है कहीं दूर बड़े बड़े डॉक्टरों से मुलाकात की, और डॉक्टरों ने बताया कि इनका इलाज संभव है, लेकिन तकरीबन जो है 20 से 25 लाख लागत होना है, जिसके कारण जो है इलाज नहीं हो पाती है। और तमाम आप लोग जो भी वीडियो देख रहे हैं मेरे खबर 22 के माध्यम से, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है आप सहयोग कीजिए। जो आपको इस वीडियो में जो भी अकाउंट नंबर दिया गया है, चाहे वो फ़ोन पे हो उनका अपना निजी, उसका मम्मी का जो भी उसका परिजन का नंबर होगा, उसमें आप पे फोन के माध्यम से या जैसा भी हो उसका सहयोग करें, क्योंकि आपके सहयोग से ही जो है एक 2 वर्षीय बच्चे का जान बचाना संभव हो पाएगा। सबसे पहले चलते हैं उनकी मम्मी से, हम बात करते हैं कि आखिर इस तरह से क्या परेशानी हो गई। क्या नाम है आपका? अजनबी। जी, ये आपका
बच्चा जो है कितने साल का है? 2 साल का। अच्छा, जब ये बच्चा पैदा लिया था उस समय क्या स्थिति थी? बढ़िया सिले उगना, अच्छा सिले उगना, कुछ नहीं सिले, पीछे के बीमारी हेले। अच्छा, अल्लाह तला बीमारी दिले आप करने को, तो 1 साल बाद बीमारी हेले। अच्छा, क्या हुआ इसका माथा में? या माथा में पानी है गए, पैसा नहीं हो यार जल्दी के इलाज करी। डॉक्टर को दिखाए हैं? डॉक्टर को देखे तो डॉक्टर महंगाई मांगो 15-20 लाख। कहाँ पे दिखाए थे? दिल्ली दखल जिनू। दिल्ली लेके गए थे? दिल्ली दखल जिनू। अब इलाज नहीं हो पा रही है? नहीं नहीं हो सर। डॉक्टर बताया कि इसका इलाज हो पाएगा? इसका इलाज है तो महंगाई पैसा खर्चा करबो तो है तो थोड़ी पैसा लाग तो थोड़ी पैसा अगर खोलबो तो इलाज करे तुमको। आपके पास पैसा नहीं है? मोल की पैसा नहीं है। बच्चे का बाप का नाम क्या है? इस्तकार। क्या करते हैं वो? सरिया उठा से। कहाँ पे? दिल्ली पंजाब रूपागारो से सरिया उठा से। इलाज 10,000-15,000 टका महीना हो जाए तो कमा से तो खासी नहीं हो जाए तो भुखा रहो। अच्छा, इसको लेकर के आप किसी बड़े चाहे वो विधायक हो सांसद हो उनको लेकर के उनसे सहयोग नहीं मांगे कि आप किसी तरह से मदद कर दीजिए बच्चे का इलाज के लिए? गेल जनो नहीं बोले नहीं है छह मुल्क की। अच्छा, यही बताया। अब क्या लगता है आप अपना जो है हिम्मत हार गए या कुछ उम्मीद है किसी से कुछ उम्मीद है? किसी से उम्मीद है कुछ? उम्मीद छे मास्टर मुजाहिर अगर मोर वीडियो देखो छे मोर छोर अगर कदर जानो छे तो मगु मदद करबे मोर छोर अच्छा कर देबे। आप मास्टर मुजाहिर के बारे में जानते हैं? जानो छे तो मेरे मदद करो छे सुनो छे तो मदद कर छे बोले गरीब पर भलाई करो छे तो मोर भलाई करे दो। और भी तो कई प्रतिनिधि हैं? नहीं वा पर देती छे तो वा नहीं जानो छे या के जानो छे सुनो छे देनी मदद करो छे गरीब गुरबार तो मोर मदद करे देबे मोर छोर। उस पर आपको उम्मीद है? उम्मीद छे मु देव करे देबे अच्छा के देबे बार हाथ धरे कोसी बार पांव धरे कोसी अर्जु धरे कोसी और मदद करे दीबे। डीहा बस्ती पंचायत कौन सा? मीनापुर। आपका नाम क्या? अजनबी। आप इस बच्चे का कौन है? मम्मी। आप इस स्थान पे आए हैं क्या कुछ देखने को मिला और किस सूचना पर आए हैं? ये जो बच्चा बीमार है इसको लेकर के इसकी अम्मी मेरे शोरूम में गई थी 22 MR मोटर तो हमसे मदद मांगने के लिए। हमने बोला कि हम तो 5,000 दे सकते हैं, 5,000 से ज़्यादा तो हम दे नहीं सकते, अगर दे देंगे 10,000 भी दे सकते हैं, लेकिन आप बोल रहे हैं कि इसका इलाज 20-25 लाख रुपए खर्चा होगा तो हम तो दे नहीं सकते, लोगों की मदद चाहिए। ठीक है, हम जो है आते हैं आपके घर पर तो हम बाईसी से चल करके इनको देखने के लिए यहाँ आए हैं और हम सोचते हैं कि लोग इनकी मदद करें इसलिए आए हैं। ये भूमिहीन है, इनका घर भी नहीं है। आप जब यहाँ आए इनके बच्चे का घर पे आपको क्या सच्चाई देखने को मिली? देखने को मिला कि इसके पास कुछ नहीं है, बच्चे को इलाज भी नहीं कर पाएगा ये, इनके पास उतना पैसा नहीं है, इनका शोहर शायद बाहर रहता है कहीं और यहाँ पे कुछ खाने पीने का भी इनको जो है सही इंतजाम नहीं है। जैसे इनका घर देखे इनके घर में भी कुछ नहीं है, बाहर जो पूछे गाँव वालों से तो गाँव वाला बताया कि इनके पास जो है अपनी जमीन नहीं है, दूसरे की जमीन पर बैठी हुई है ये, इसको रहने के लिए घर जो है दूसरे ने दिया उस पर भी वो रह रही है। और जब यहाँ आए तो लोगों ने बोला कि बहुत खस्ता हाल है, गांव में सबसे नहायत गरीब आदमी है, इसके लिए ये बीमारी नहीं है इस बच्चे के लिए, तो बड़ा शौक लगा हमको। हम सोचे हम तो कहेंगे कि लोगों से कि सब मदद करें, हम भी आए हैं मदद करने के लिए और लोग आए और मास्टर मुजाहिद साहब के बारे में सुन रहे हैं कि लोगों की जो है मदद करते हैं और वो आए और देखे और अगर हो तो मदद कर सकते हैं, अगर वो मदद करेंगे तो इस बच्चे की जान बच सकती है। हम चाहते हैं कि इस बच्चे की जान बच जाए, सभी लोग आगे आएंगे तो इस बच्चे की जान बच सकती है, और नहीं तो ये अकेले कुछ नहीं कर सकती, इस औरत में वो दम नहीं है। ये बच्चे का आखिर माथा में क्या हो गया? ये अंदाजा लग रहा है कि ये जो बता रही है ये बोल रही है कि इसमें पानी भर गया, हमको लगता है ट्यूमर तो नहीं हो गया, ये ज्यादा ही बड़ा है ये सर, दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। 2 साल पहले इसका बच्चा का सर ठीक था, एक बार बता रही है यहाँ के गाँव के औरतें ये लोग बता रही है कि ये ट्यूमर हुआ तो छोटा सा जो है फुंसी हुआ उसी से बढ़ता हुआ ये सर चला गया, बहुत बढ़ गया, ये 2 साल में इतना बड़ा हो गया। जो वीडियो देख रहा है उससे क्या अपील कर रहे हैं? हम अपील करते हैं कि सब कोई इनको जो है मदद करे जिससे जितना हो बन पाए, ये फोन पे नंबर दिया जाएगा या इसका जो है अपना अकाउंट नंबर दिया जाएगा, जो जिससे जितना बन पाए इस बच्चे की जान बचाने के लिए डोनेट करें। ठीक है, मेरा नाम अब्दुल मुबीन हुआ, MR फिश सेंटर 22 और मेरा MR मोटर 22 से उसका ओनर बोल रहे हैं अब्दुल मुबीन। बच्चा 1 साल बढ़िया चल, साल बाद से छाती बीमारी है गेल, माथा बढ़े गए, खुरी हलचल बढ़े गए, पैसा दस इलाज नहीं कर दुनिया बेरा है पैसा। अभी उसका सर तो बहुत बड़ा हो गया। हाँ बड़ा है गए, कमा छा तो कमा छा नहीं खा छा तो इलाज कहाँ से करबे, परिवार बढ़े गए घर तवार कुछ नहीं है। उसका माथा जो माथा में जो बीमारी वो बढ़ रहा है कि घट रहा है? बढ़ रहा है। हाँ बच्चा बहुत परेशान है।
बहुत दिन से बाबू है खाओ आबे जुर्दा छे बेचारी की करबो जहाँ से शक्ति हो चाहे करो छे 10, 5, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000 पाई भी नहीं के जो कहाँ से इलाज करवे बेचारी मैं तो सीरियस है यहाँ से काने काने खा गई ठीक है गरीब बहुत बहुत गरीब तो से ना नहीं खावा नहीं पाजे तो इलाज कहाँ से है बे चाचा जी एक छोटा सा बच्चा जो बीमार में मुब्तला है उसकी इलाज नहीं पा रही है आपके गांव का ही है क्या सच्चाई है सच्चा तो हकीकत है कि उसके पास कुछ नहीं है सिर्फ अपना वो अपना जान का ही सहारा पर परिवार झील रहा है पाल रहा है गरीब परिवार से है गरीब परिवार से अब वो इलाज करेगा ना अपना परिवार पालेगा क्या गरीब परिवार होने की वजह से उस बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा है बिल्कुल हक बात है कि गरीब परिवार होने से ही उस बच्चे का इलाज नहीं हो पा रहा फिर क्या क्या आप लोग उपाय कर रहे हैं आप उस गांव के निवासी हैं क्या उम्मीद करते हैं किसी से हम लोग गांव के निवासी हैं हम लोग वो 100, 200, 50, 100, 200, 500 दे सकते हैं लेकिन अब इतना जहां 20,000-25,000 लागत है किसी से कुछ उम्मीद है नहीं हम लोग यहां से तो उम्मीद नहीं लेकिन हम लोग सुनने में मिला है कि एक मास्टर मुजाहिद नाम से कोई इंसान है नेता क्या है वो गरीबों का भला करता है तो हम लोग सोचते के साथ उस बेचारा अगर आके इसको थोड़ा देख लेता उसके दिल में जस्ता तो कुछ मदद कर देता तो शायद बच्चा का जिंदगी बच सकता है कौन सी जगह है ये डीहा है आप यहाँ के निवासी जी